नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिव प्रसानी और आप देख रहे हैं दिल्ली 99। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उन तमाम नेताओं को सलाह दी है जो राजनीति को महज सत्ता की राजनीति समझते हैं और जब जिस पार्टी की सत्ता होती है उस पार्टी का रुख कर लेते हैं। दरअसल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी रविवार को नागपुर में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने पॉलिटिकल आइकन ऑफ विदर्भ पुस्तक का विमोचन किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि किसी भी नेता को एक ही विचारधारा पर टिके रहना चाहिए और डूबते जहाज से कूदते चूहे की तरह पार्टी बदलने से बचना चाहिए। नितिन गडकरी ने कहा कि मुझे लगता है कि नेताओं को स्पष्ट रूप से राजनीति का अर्थ समझने की बेहद जरूरत है। राजनीति सिर्फ सत्ता की राजनीति नहीं है। उन्होंने इस दौरान महात्मा गांधी, वीर सावरकर, लोकमान्य तिलक, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि ये जो तमाम नेता थे ये सिर्फ सत्ता की राजनीति में विश्वास नहीं रखते थे, ये समाज के लिए बेहतर कार्य करते थे, देश को सुधारने की बात करते थे। ये सिर्फ वो नेता नहीं थे कि जो पार्टी सत्ता में है उस पार्टी का रुख कर लिया और आज का जो दौर है वो उन नेताओं का है जो पार्टी सत्ता में होती है वो उसमें शामिल होने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि सिद्धांतों से समझौता मत कीजिए और धैर्य रखिए। उन्होंने इस दौरान अपना भी उदाहरण दिया और कहा कि मैंने मुश्किल हालातों में भी कभी पार्टी छोड़ने के बारे में नहीं सोचा, लेकिन आजकल के जो नेता हैं वो इस होड़ में लगे हुए हैं कि जो भी पार्टी सत्ता में आए उसमें शामिल हो जाएं। आपको बता दें नितिन गडकरी का जो बयान आया है ये उस वक्त आया है जब महाराष्ट्र में 2019 के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं और इस दौरान कई नेता जो हैं वो बीजेपी में शामिल होने के लिए आगे आ रहे हैं, बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं और इस दौरान ही नितिन गडकरी का ये बयान आया है। लेकिन ये सच है कि तमाम ऐसे नेता हैं जो जिस पार्टी की सत्ता होती है उस पार्टी में शामिल हो जाते हैं और फिर कुछ सालों बाद जिस दूसरी पार्टी की सत्ता होती है उसमें शामिल होने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तो उसी को लेकर नितिन गडकरी ने बयान दिया और उन तमाम नेताओं पर निशाना साधा जो ऐसा कर रहे हैं। न्यूज़ के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें दिल्ली 99।